हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और अभी हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक में, और उसकी हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ लिए हैं। टोटल उसमें 5 चैप्टर हैं, उसमें से हमने 4 पढ़ लिए हैं और उसका 5वां अध्याय अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका नाम है आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो ये सबसे पहले एक चरवाहों में जानवर पालतू पशुओं का चित्र दिया गया है, जिसमें पूर्वी ढलवाल के बुल बुग्याल में चरती भेड़ें हैं। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों वह 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी पर तरह तरह की घास जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चराओं गाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोज रोटी के जुगाड़ में वह यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देखते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वह कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास के पुस्तकों में विरले की जगह मिल पाती है। जब ही आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा में या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही न हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद के ने इनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला और इन समुदायों के अधिक आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी के अध्ययन करेंगे। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में। सबसे पहले इनकी जो घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही है, वो पहाड़ों के रेस्पेक्ट में देखें तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इन समुदायों में अधिकतर लोग अपने मवेशियों को के लिए चरवाहे की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी से यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे यहीं से होकर रह गए, यहीं बस गए। इनके बाद वे गर्मी सर्दी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से ढक जाती है, तो ये शिवालय की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी पत्तियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारा हवाओं के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते हैं। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोर या बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ियां चोटियों पर बर्फ जमने लगती, तो निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों
में चरवाहों का एक समुदाय रहता था। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं एक स्रोत की जानकारी, जिसमें है 1850 के दशक में जी सी बांस ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन इस प्रकार किया था। पहाड़ियों में रहने वाले गुजर शुद्ध चारावाह कबीले के लोग हैं। वे लगभग न के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं, जो गुजर गाय भैंस पालते हैं। वे लोग जंगलों में एक किनारे रहते हैं और दूध घी और मवेशियों से मिलने वाली बहुत से दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर में मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटकाकर हर रोज बाजार चली जाती हैं और उनकी हांडियों में दूध मक्खन और घी होता है। वे सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार ले जाती हैं जितना घर चलाने के लिए काफी हो। गर्मियों में गुजर अपने रेवड़ को लेकर प्राय ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाए और वे शीतोष्ण न ज्यादा न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, बल्कि वह उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किए रहते हैं। तो पास ही के पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। ये भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झोपड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियों लाहौल और स्पीति की में ही बिता देते थे। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास में मैदानों में जा पहुंचे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहां से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते। इससे पहले दिए गए चित्र देखें तो वो है कि ये है चित्र जिसमें है मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों पर एक गुज्जर मंडप। गुज्जर गढ़ेरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घास के बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में किया जाता था। मैं भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल ही के सालों में वे बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते। ये चित्र है ऊन कुतरने का इंतजार। हिमाचल प्रदेश स्थित पालनपुर में के पास उलट घाटी जिसमें ये भेड़े हैं जो इनकी ऊन अभी यहाँ काटी जा रही है। नए शब्द में जो अभी आएंगे वो होंगे भाबर और बुग्याल। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ तरफ चलें। गढ़वाल और कुमायूं के गुजर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपर घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। तो भाबर क्या है? गढ़वाल और कुमायूं के इलाके के पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका और बुग्याल है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और वहां बाद में यहीं बस गए।
सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारा गाह बदलते रहते हैं। ये बदलते रहने का ये चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरावान समुदायों में दिखाई देता है। यहाँ के भोंटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह चरावे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की घरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो ये किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और इसमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों धार के नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। अगला पॉइंट है कि पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में क्या हालात होते हैं। तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समूह है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। इसमें से ज्यादातर गडेरिए या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी मनाते थे जबकि कुछ भैंसे पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहां के कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इन इलाकों में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरावाओं की दिल खोलकर स्वागत करते थे। इसी समय धंगर कोणक पहुंचते थे और उसी समय कोणक के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। तो रबी और खरीफ के बारे में देखें तो रबी का मतलब होता है जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है और खरीफ है सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। ये चित्र है पश्चिमी राजस्थान में थार के चरते राय का समुदाय के ऊंट। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कंटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता है। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे। ठूंठे मतलब पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़। उनके गोबर को खेतों की गाद मिल जाती थी। कोंकणों की किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पहाड़ी इलाके में ले जाते थे क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते हैं। मानसून की बारिश शुरू होते ही धगर, कोणक और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे क्योंकि भेड़ें गीली मानसूनी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्यम पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इसमें मवेशी, भेड़, बकरियां और गडेरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे जबकि कुरुमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों में छोटे छोटे खेतों में
आसपास रहते थे, ये अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहे के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की जगह चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारों ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चल ले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। एक स्रोत की जानकारी पढ़ें तो बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों से हमें चरवाहों के समुदायों की जिंदगी का झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन के मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वे छोटी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पादन बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। इनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुलाव आदि पुआल आदि पहुंचाते हैं। यह है फ्रांसीसी हैमिल्टन बुकानन, ए जर्नी फ्रॉम मद्रास टू दी क्रिंज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार, लंदन 1807 में ये स्रोत है। राजस्थान में रेगिस्तान में राय का समुदाय रहता था। इसके इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, क्यों होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में के राई का अपने गांवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चरावा सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकलते जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकों का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। ये चित्र है जिसमें अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक। यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके में ऊंट पालकों को मारू रेगिस्तान राय का, मारू राय का और इनकी बस्ती को ढणी कहा जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। इन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एवं एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके जाने का सही समय सुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाके से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनके उपजाऊ बनाते चले। अपनी छोटी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही के सारे काम करने पड़ते थे। ये एक चित्र है जिसमें पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा स्थित ऊंट मेला। ऊंट पालक
यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख के लिए आते हैं। मेले में मारू राय का ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजर से घोड़े भी लाए जाते हैं। आइए अब हम देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने के चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। यह है पुष्कर का ऊंट मेले का एक चित्र और ये है मारू रायकों की वंशावली बनाने वाला समुदाय का इतिहास बताता है। इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं में से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। ये चित्र है जिसमें है चरागाहों उनकी तलाश में निकले मालधारी चरवाहे, उनके गांव कच्छ की रण में स्थित है। अगला पॉइंट देखें अपना तो मेन हेडिंग है उसकी औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी से गहरे बदलाव आए। इनके चरवाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने व बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेतों में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसों और हुनरों पर भी बहुत असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात से पहले देखें एक स्रोत एच एस गिब्सन वन उपसंरक्षक दार्जिलिंग ने 1913 में लिखा था, चरवाहों के लिए उपयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां के इमारती लकड़ी या ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। पहली बात, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीय चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उनमें उससे न तो लगान मिलता था और न ही कोई उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के नियम बनाए जाने लगे। इस कायदे कानून के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपती थी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए उन पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसा कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी जिनका चरागाह नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव ने चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात है कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों में के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस जंगलों के चरवाहों की चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। उपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधों और पेड़ों की कई कोपले नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपले को खा जाते हैं जिससे नए पौधों को बढ़त रुक जाती है। परंपरागत अधिकार का मतलब है परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला
अधिकार। वन अधिनियमों ने चारावाहों की जिंदगी बदल डाली, अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो अपने मवेशियों के लिए बिल्कुल के लिए बहुमूल्य चारे के भंडार थे या स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती और जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले ही तय होती थी और यह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते और भले ही वह चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। स्रोत में देखें तो है 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग की एवं कृषि उद्योगों प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों के अधिग्रहण की वजह से चारावाहों के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई है। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवड़ रखने में मुश्किल पैदा हो रही है। इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है और उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी बात है, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों की को शक की नजर से देखते थे। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों को अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहते थे। हर मौसम में अपनी रिहायश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांवों में रहे, उनकी रिहायश और खेती पर उनके अधिकार तय हो। इस बात की आजादी, आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रण करना ज्यादा आसान था जो एक जगह टिक कर रहते थे। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1971 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दमनकारियों, दस्तकारियों, व्यापारियों और चरवाहों के लिए बहुत सारे समुदायों को आपराधिक समुदाय की सूची में रख दिया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इन कानून के लागू होने से ऐसी सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। इनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजें और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान किया। चरवाहों ने चारागाहों के चरने पर एक एक जानवर पर टैक्स चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर चरवाहे इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से लेकर 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा गया था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कांदीरों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरवाहे में चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है इस बात से उसके पास में दर्ज कर लिया जाता था।
इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया? इन चीजों की वजह से चरवाहों की चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों को सरकार कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदलने जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों में आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गडरी और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले ऐसे आबादी में नहीं चरा सकते थे, पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे। अब चारागाह खेती में बदलने लगे और बड़े बड़े खुले चारागाह में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक जो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक एक ही इलाके में चराते और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते, इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशें और चारागाहों को बेस हिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। एक ये मानचित्र देखें, ये है इंडिया का मानचित्र जिसमें है भारत के चरवाहे समुदाय और उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें ये ऊपर है गुज्जर बकरवाल, ये है गद्दी, ये है भोंटिया, ये है गुज्जर, ये है बंजारे, ये है रायका, ये है मरुस्थली क्षेत्र, मलधारी, बंजारे, धंधर, कुर्मा, कुर्बा, गोला, ये है मोनपा आदि। इस नक्शे में केवल उन चरवाहे समुदायों के इलाकों को उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इसके अलावा भी देश में कई और चरवाहे समुदाय रहते हैं। चरवाहों ने इस बदलावों का सामना कैसे किया? इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे चरवाह जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच देगी सीमा रेखा से उन्हें इस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे। यहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती थी जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था तो वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहों ने केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशकों में कई जगह वे उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई। जब भी किसी इलाके में चरवाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है तो अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया की मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों के में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों को पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए हैं। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसावट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया के में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने का पर मजबूर किया है। आधुनिक विश्व
में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहे को क्या रास्ते अपनाए, उसके बारे में हम पढ़े तो क्या पढ़ेंगे। तो भारत के बाहर सीधे चलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में है चारावाहा चरवाहा जीवन। आइए इस बात आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, और जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाही आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेंदुइस, बर, बेस, मासाई, सोमाली, बोरन और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं। यहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। इन चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहों के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने के पर कोई भी धंधा करने लगते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चरवाहे की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और अन्य औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या है ये बदलाव? ये है चित्र जिसमें है मासाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं। बदलती परिस्थितियों के कारण मासाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे उन चीजों को पसंद नहीं करते। मासाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती कर लेते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। सौजन्य है द मासाई एसोसिएशन। ये है अफ्रीका का मानचित्र जिसमें है अलग अलग, ये अफ्रीका, पूरा अफ्रीका। इसके इस भाग को हम अगर जूम आउट करके देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और उसमें है अलग अलग तरह की जो इस चैप्टर में पहले दी गई जातियां हैं वो है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये है मासाई, जो यहाँ मासाई ये है उसका इलाका। तो छोटी तस्वीर अफ्रीका के चरवाहा समुदाय, छोटी तस्वीर इंसेट में कानिया और तंजानिया में मासाइयों का इलाका दर्शाया गया है। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्व अफ्रीका में निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कॉर्निया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इन कानूनों और बंदिशों के लिए बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी हैं। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। चारागाहों का क्या हुआ? मासाई की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके चारागाह प्रतिदिन दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कर्निया के लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1800 तंजानिया के बारे में पढ़े हैं तो ब्रिटेन में पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया और जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंजानिया ब्रिटिश नियंत्रण से में आ गया और 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में जंजिबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नाम दिया गया। 1885 में ब्रिटिश कॉर्निया और कीनिया, ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर
मसाई लैंड के दो बराबर टुकड़ों में टुकड़े कर दिए गए। बाद में सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कर्निया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन के से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम साल में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के जाने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया था। केन्या में मसाई मारा वह सांबुरु नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चारागाहों का आना जाना था। इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराए करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क पर 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। ये चित्र है, इस चित्र को देखें। ये चित्र है, घास के बिना पशु मवेशियां बकरी और भेड़े कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चारागाहों के परिवार और बच्चे के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ किनियन सीलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना की इसी इलाके में होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौजन्य है द मसाई एसोसिएशन। ये चित्र है, मसाई नाम माँ शब्द से निकला है। माँ और साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपने आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित होते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क धूल और भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क वृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य है। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। सौजन्य है एक ही, वन एंड ओनली द मसाई एसोसिएशन। आगे एक स्रोत की जानकारी पढ़े तो अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास में स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते हैं। ये लोग आसपास के बाजारों से जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेच करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में इनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे उनका पहले की तरह जंगलों तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओकोलैंड में के घुमंतु पशुपालकों की शिकायत थी,
हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है और हमें तो पता ही नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण के गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं बेच सकते, ओवमलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओवम्बो लैंड में रहे हैं, हम जो अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं। ये सीमाएं हमें मारे दे रही हैं, जीना मुश्किल है। और नामीबिया स्थित काओ को लैंड के चरवाहे का एक बयान, नामीबिया, ये है 1949 की बात। एक और स्रोत है, उसमें है लिखा है, औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाके में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया और काओ को लैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था, जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने से लिए जरा के लिए पास जारी न किए जाएं। इसे आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है, इसलिए इन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालात में जारी न किए जाएं। अच्छे चारागाहों और आगे पढ़े तो है, अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ में निकल जाने की वजह से उन छोटे से इलाके में पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मसाइयों को धकेल दिया गया था। इन एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना स्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशक में औपनिवेशिक सरकार की उनकी आवाजाही पर जगह जगह की पाबंदियां लगाने लगी। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाके की सीमाओं में कैद कर लिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे, वे विशेष परमिट के लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें अलग तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें तंग किया जाता था, अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था और उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजरे में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में ये लोग थे जिनकी काम कम से कम संबंध रखना उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों के किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों में माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बनाने में गोरों को इन कालों के श्रम की का ही तो भरोसा था। नई सरहदों के चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापार दोनों तरह की गतिविधियों बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशियों चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप की गई बंदिशों के से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन
तरह के अंकुर से जरूर लग गए, तरह तरह के अंकुर जरूर लग गए। अगला पॉइंट है, जब चारागाह सूख जाते हैं, सूखा दुनिया के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती है चारागाह सूख जाते हैं। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उसमें सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं, ये वहां यहां से वहां जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतुपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन उपनिवेशिक शासन की समस्या की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया, उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारावाहों की खोज में यहाँ वहां भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतर चारागाहों की महरूम से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध सुस्त पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारी की वजह से मारे जाते। 1930 में एक जांच से पता चला कि केन्या में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। और 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद उनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ते गए, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों को जानवरों के लिए संख्या में लगातार गिरावट आती गई। सब पर ऐसा एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका में बाकी स्थानों की जगह मासाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चारागाह का एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने वाले पहले मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर। एल्डर्स और वॉरियर, वरिष्ठ जन शासक चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने के कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। ये समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। यहाँ जानवर की संपत्ति है, वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहे समुदायों की ताकत उन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था, वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर लेकर आते थे। ये है एक चित्र जिसमें है योद्धा गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते थे तथा स्टील की नाक तथा 5 फुट लंबा भाला रखते थे। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते थे और उन उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। सौजन्य द मासाई एसोसिएशन, तो उनके मवेशियों को छीन ले, एक और तस्वीर क्या करते थे, दूसरे मवेशियों को छीन कर लाते और युद्ध के बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर काम करते थे। ये चित्र है, आज भी योद्धा बनने के लिए युवाओं को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है, इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारी की जगह दौड़ कर अपने अहाते में घूमते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। यह अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। और यह है सौजन्य है
द मसाई अशोत्य हो। सौजन्य का मतलब है कि ये तस्वीर या ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है। अगला पैराग्राफ में है दी गई जानकारी पढ़े तो मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनके बाद आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों से मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीतता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी भी थी, आमदनी थी जिससे वे जानवर साजो सामान और जमीन खरीदने सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे जानवर खरीद सकते थे। वे चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे। उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करते लगता था तो कोई कुछ और करता था। किसी जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी तो उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज के दो रास्ते दो स्तरों में बदला आए। पहला वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र व उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही न हुए पर बुरी तरह अस्तव्यस्त जरूर हो गया। दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहे समुदायों को अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए जानवरों को चरना एक मुश्किल काम होता चला गया और वे चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय अपनी समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में हम दम तोड़ने लगे। अब उनके पास आने जाने पर बहुत सारी बंदी से थोप दी गई इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सके। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं और वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं। जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं। नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत रियायत व मदद के लिए सरकार व सामाजिक राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे इन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं। जरा से जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है। वे ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं। घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये है जयपुर राजमार्ग पर राय का गडरिये। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात से गडरियों के लिए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन, ये बाद में अतिरिक्त जानकारी हमारे काम की नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और साथ ही जो बुक है हिस्ट्री की 9th क्लास की वो भी यहीं खत्म होती है 9th क्लास की। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पॉलिटी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।